हाय एवरीवन स्वागत करता हूँ मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे मार्केट है अभी क्या है लाइव मार्केट है वो यहाँ पे चल रहा है और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड है वो यहाँ पे बना रखा है निफ्टी के अंदर तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो कल नीचे की साइड में क्लोज होता है और आज बड़ा गिपअप है वो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ा गिपअप अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर रेजिस्टेंस के नीचे की साइड में यहाँ कहीं ओपन होके फिर यहाँ पे टाइम बिता के फिर अपसाइड की तरफ निकालता तो मुझे यहाँ पे बाइंग की साइड में कॉन्फिडेंस होता अगर मार्केट ने क्या किया है मार्केट है वो यहाँ पे ओपन होता है ओपन होने के बाद में आप देखोगे कि रेंडमली अपसाइड की तरफ मार्केट यहाँ से चलने लगता है तो जब भी मार्केट इस तरह से यहाँ पे चलेगा तो मार्केट क्या है सस्टेन नहीं होगा और ये अभी आप देखोगे तो ये क्या है सेलर एरिया है कि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है सेलर है वो यहाँ पे एक्टिव होते हुए आपको नजर आ रहे हैं तो ये सेलर एरिया है और मार्केट ने क्या किया है सडनली यहाँ पे बड़ा अप ओपनिंग यहाँ पे दी है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा करेक्शन है मार्केट में नीचे की साइड में देखने को मिले तो यहाँ पे कहीं मैंने एक ए, चार सौ के 10 के लगभग यहाँ पे क्या है एक पुट की पोजीशन है वो यहाँ पे बनाई थी तो मैंने यहाँ पे बाइंग ना करके यहाँ पे सेल किया है अगर मैं आपको यहाँ पे मेरी पोजीशन दिखाऊं ऑर्डर बुक में तो अगर आप देखोगे तो अभी रनिंग प्रॉफिट है वो तेईस सौ चौबीस सौ का प्रॉफिट चल रहा है मगर क्वांटिटी है वो मैंने स्मॉल रखी है पचास क्वांटिटी है यानी दो लोट के साथ में यहाँ पे काम काज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि मार्केट में हाई वॉलीडिटी है बाइंग मैंने इसलिए नहीं की कि बाइंग के लिए क्या है प्रीमियम है वो बहुत जल्दी डीके हो रहे हैं इस वजह से मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की इसलिए सेल की पोजिशन मैंने यहाँ पे बनाई है तो आप देखोगे कि 167 में मैंने यहाँ पे सेल किया है अभी का अभी का प्रीमियम चल रहा है तो रनिंग प्रॉफिट है वो को लगभग अपना यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है तो अभी मैं पोजीशन को होल्ड करके चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में फिसलता है तो कल की क्लोजिंग के पास में यहाँ नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट टारगेट है वो अपना चौबीस का रहने वाला है यहाँ पे नीचे की साइड में अगर निकलता है तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 मिनट का या पे मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है मगर कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है मार्केट रेड टू रेड कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ नीचे की साइड में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मुझे डाउटफुल है कि बायर हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और फिर से मार्केट को अपसाइड की तरफ यहाँ ले जा सकते हैं अगर अभी देखते हैं क्योंकि अगर मार्केट uh, वापस पलटता है तो मैं यहाँ पे ये यह जो प्रॉफिट है ये पूरा प्रॉफिट बिल्कुल मार्केट को नहीं देने वाला हूँ इसमें कुछ ना कुछ मैं घर पे लेके जाऊंगा तो इसलिए अभी मार्केट में जब तक ट्रेंड नहीं रिवर्स होता है तब तक मैं इस पोजीशन में यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है तो अभी मैं पोजीशन को क्या है चलने देता हूँ क्योंकि अभी मेरे फेवर में मार्केट है वो चल रहा है अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है और उसके बाद में अगर मार्केट नीचे की साइड में फिसलता है तो एक अच्छा खासा प्रीमियम है वो डीके होता है वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा तो एक ये प्रॉफिट है अपना ये भी क्या है इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा तो अभी पोजीशन है वो अपने फेवर में चल रही है क्योंकि अभी आप देखोगे तो बैंक निपटी है वो बिल्कुल यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अभी क्या है वो सपोर्ट की तरह यहाँ पे कामकाज कर रहा है तो अभी पोजीशन को चलने देते हैं देखते हैं अगर मार्केट पलटता है तो फिर मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल जाऊँगा अदरवाइज अगर नीचे की साइड में निकलता है मार्केट तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मैंने पोजीशन है वो यहाँ पे टॉप में बनाई है तो यहाँ पे मुझे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्केट मुझे लोसेज है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देने वाला है अगर पलटता भी है तो मुझे लोसेज है वो यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पर डिक्रीज करके जाएगा मार्केट इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा तो अभी क्या है मैं अपनी पोजिशन को चलने देता हूँ ये पोजिशन है अगर आप देखोगे तो करेक्ट टाइम है मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ नौ बज पैंतालीस मिनट का ये हाई है और अगर आप मेरी पोजिशन में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पोजीशन बनी है वो मैंने नौ बज के तैयलीस मिनट पर यहाँ पे मैंने सेल की पोजीशन यहाँ पे बनाई है तो अगर आप देखोगे तो जो पोजीशन मेरी सेल पोजीशन यहाँ पे बनी है उसी पोजीशन को मैं क्या है यहाँ पे कैरी करके लेके जा रहा हूँ तो अभी देखते हैं कि पोजिशन को मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है देखेंगे कि क्या होता है लॉसेज आते हैं या प्रॉफिट आता है जबकि लॉसेज तो मैं यहाँ पर लेने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी अगर आप देखोगे तो नौ बज के तयालीस मिनट पे मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है तो अभी पोजीशन को अपने को चलने देते हैं क्या होता है मार्केट में तो अगर अगर इसमें मैंने यहाँ पे दस मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगा रखा है कि क्योंकि अगर पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगा के बैठूंगा तो हर कैंडल मुझे ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी तो इसलिए मैं क्या है पी एंडल को बहुत ही रेयर केस में देखता हूँ जबकि मैं यहाँ पर मार्केट को ओनली वॉच करता हूँ तो उससे क्या होता है कि आप इसको जो प्रॉफिट रन हो रहा है उस पर नजर न जाके आपकी मार्केट पर यहाँ पर नजर रहती है तो इसलिए हमेशा पी एंडल को न देख के अपनी पोजीशन को न देख के यहाँ पे मैं मार्केट को ओनली में डायरेक्ट वॉच करेंगे तो अपना क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा तो अभी पोजीशन को चलने देते हैं सारा खेल है वो माइंडसेट का है 99 परसेंट खेल होता है वो 99 ऐसा मान लो कि साइकोलॉजी का मार्केट पैसा यहाँ पे देता है क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए बिताने के बाद में अपसाइड भी यहाँ पे निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे बायर हैं वो भी एक्टिवेट हुए हैं अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट है वो कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है अगर नीचे की साइड में आता है थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में तो एक अच्छा खासा मूव है वो नीचे की साइड में अपन को देखने को मिल सकता है अभी पोजिशन को मैं यहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ तो यहाँ से जब ये वापस पलटेगा मार्केट तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करूँगा अदरवाइज मैं पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे चल रहा हूँ चलने देते हैं पोजीशन को देखते हैं कि अपना टारगेट अचीव होता है या अपना ट्रेल एसएल है वो यहाँ पे हिट होता है ये मेरा लाइव लाइव ट्रेडिंग आज फर्स्ट बार मैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ YouTube पे मैंने लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं की कि यहाँ की क्योंकि नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ मेरे प्रॉपर यहाँ नहीं आ रही है इस वजह से YouTube पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड यहाँ पे करूँगा तो अभी क्या है मार्केट अपने फेवर में है तो आराम से अपन यहाँ पे बैठे हैं अभी आप देखोगे तो टाइम है वो दस बज के चम्बालीस मिनट यहाँ पर हो गए हैं तो ओवरऑल मुझे एक घंटा हो गया है पोजिशन को होल्ड किए हुए

इसलिए मैंने मार्केट में क्वांटिटी भी यहाँ स्मॉल रखी है दूसरा मैंने यहाँ पे बाइंग ना करके यहाँ पे सेलिंग की है तो अभी मैं अपनी पोजीशन को क्या है चलने देता हूँ देखते हैं कि, कि कितना अपना प्रॉफिट होता है कितना अपना टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है क्योंकि मार्केट है मार्केट मार्केट के अगेंस्ट अपन नहीं चलेंगे मार्केट जहाँ चलेगा उसी साइड में अपन यहाँ पर चलेंगे क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से पलट भी सकता है और नीचे भी आ सकता है तो अगर अपने फेवर में मार्केट चलेगा तो मैं यहाँ पे होल्ड करके चलूंगा पोजीशन को अगर अदरवाइज मार्केट अपने फेवर में नहीं चलता है तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेल असल है वो यहाँ से लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो अभी देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि अगर मार्केट में अगर यहां से फोल होगा मार्केट तो एक बड़ी कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हो सकती है एक बड़ी कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म होगी तो अपना प्रीमियम है वो स्पीड से यहाँ नीचे की साइड में डीके होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इन मनी की कोल है वो शॉर्ट की थी यहाँ पे जब मार्केट चौबीस हज़ार चार सौ पे था तो मैंने यहाँ पे एटीएम की कोल थी वो यहाँ पे सेल की थी तो अभी पोजीशन को अपन यहाँ पे चलने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है अपनी मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे चल रहा हूँ आज की अगर आप डेट देखोगे तो 9 अगस्त का आज का मार्केट है तो मार्केट अभी क्या कर रहा है यहाँ पे स्लो स्टडी मार्केट है वो यहाँ पे सपोर्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर आप चेंज कर, कर कर के यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आप और वन आवरली पे देखोगे तो वन आवरली पे भी एक बेरिस कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है नीचे की साइड में कैंडल ने ब्रेक किया मगर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दे पा रहा है मार्केट अभी तो यहाँ पे क्या है ये सारा का सारा एरिया है वो क्या है सेलर एरिया यहाँ पे है और दूसरी बात जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है तो इसी इसी को देखते हुए अपन ने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बनाई है क्योंकि अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना होता तो मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता

जा सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में छोटी छोटी कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो अगर मार्केट यहाँ से पलटता है तो फिर अपनी आप पे अपना जो प्रॉफिट है वो उसको बुक करना पड़ेगा तो अभी चलने देते हैं पोजीशन को देखते हैं कि थोड़ी सी देर बैठे रहते हैं अपनी पोजिशन में क्योंकि अभी मार्केट में अपना जो पोजिशन है वो ओवरऑल सही चल रही है क्योंकि अगर नीचे की साइड में भी अगर निकलेगा तो मार्केट बड़ा फास्ट आएगा अपसाइड की तरफ जाएगा तो भी फास्ट जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सेलर जोन है और बायर जोन भी यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है जब भी मार्केट इस तरह से पोज लेता है तो पोज में जिस साइड भी निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव है वो आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे किसी ने क्या है कोल को बाई कर रखा है किसी ने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है तो जब भी ये जिस साइड में निकलेगा तो यहाँ पे एसल है वो हिट होंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो अभी अपनी पोजिशन को अपन यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं देखते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट है वो क्या होगा यहाँ पे कम होगा मगर लो से जैब मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके ही यहाँ से जाऊँगा एक बार जो प्रॉफिट बन जाएगा ना उसके बाद में मार्केट को कभी भी प्रॉफिट है वो अपना बिल्कुल नहीं देता चाहे मैं ले कर जाऊँ सौ रुपये भी अगर मैं मार्केट को कभी भी वापस वो प्रॉफिट है बिल्कुल यहाँ पर नहीं दूँगा क्योंकि अगर ये ट्रेड चलता है तो फिर मैं एक सिंगल ट्रेड ही यहाँ पे करूँगा अदरवाइज़ मैं आज मार्केट को छोड़ दूंगा क्योंकि मार्केट है वैसे भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है तो इसलिए मैं आज सिंगल ट्रेड है वो यहाँ पे ओनली मैंने बनाया है अगर आप देखोगे तो अभी बाइंग की साइड में मार्केट धीरे धीरे जा रहा है मगर अभी भी अपन को क्या है कॉन्फिडेंस नहीं है अगर मार्केट यहाँ से बाइंग भी निकलता है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मार्केट बड़ा अप यहाँ पे खुलने के बाद में यहाँ पर अपर साइड के जाने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए मुझे क्या है यहाँ पे कॉल को मैं यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर रखूँगा अगर यहाँ से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मैं इस कहीं इसी पोजीशन में कहीं निकलूँगा तो अभी क्या है मैं पोजिशन को चलने देता हूँ क्योंकि मार्केट आपको डराएगा अब बार बार जैसे ग्रीन कैंडल एक बनेगी फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या करेगा आपको डराएगा तो आप क्या करते हो कि बहुत सी बार तो अपना विदाउट टारगेट लिए ही यहाँ से निकल जाते हो इसलिए क्या है कि मैं अपने ट्रेड की हमेशा प्रतीक्षा करता हूँ अगर ट्रेड मेरे फेवर में निकलेगा तो यहाँ पे एक जैकपॉट ट्रेड मेरा यहाँ पे होने वाला है अदरवाइज अगर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा मेरा यहाँ पे एसल चला जाएगा मेरा प्रॉफिट है वो मुझे कम होगा मगर अगर नीचे की साइड में निकलता है तो यही हो सकता है कि यही प्रॉफिट है वो मेरा डबल यहाँ पे आपको देखने को मिले इसलिए मैं क्या है अपनी पोजिशन को यहाँ पे चलने देता हूँ देखते हैं कि मार्केट अपने फेवर में जाता है या अपना एसएल है वो यहाँ पे हिट करता है तो अगर मार्केट ज्यादा मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करूँगा अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट को चलने दूंगा अभी तो अभी चलने देते हैं प्रॉफिट को क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाइंग की साइड में नहीं जा सकता अभी क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे सारा का सारा एरिया सेलर एरिया है ये जो स्विंग बने हैं ये सारा सेलर एरिया है तो मार्केट में क्या है सेलिंग प्रेशर फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि रेंडमली मार्केट को अगर अपसाइड जाना होगा तो मार्केट क्या करता है यहीं खुलता यहाँ खुलने के बाद में एक रेंज बनाता टाइम बिताता उसके बाद में अपसाइड की तरफ निकलता तो मुझे यहाँ पे बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस आता अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं क्या है कि मैं ट्रेड को यहाँ पे चलने दे रहा हूँ अगर आप देख रहे हो तो अभी भी मेरा प्रॉफिट है वो अप डाउन अप डाउन यहाँ नीचे की साइड में हो रहा है तो चलने देते हैं अपने इस प्रॉफिट को तो देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में क्योंकि बाइंग की साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर मैं आपको दस मिनट का कैंडल दिखाऊँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो अगर ये ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है तो फिर यहाँ से अगर निकलेगा मार्केट तो फिर मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक अच्छा आएगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जब से फॉल हो रहा है एक दो तो, तीन चार पाँच छ छः कैंडल यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म कर दी थी वो भी रेड टू रेड कैंडल तो इसलिए क्या है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि अपन यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है नीचे जरूर आ रहा है अगर रेड टू रेड कैंडल बनाते हुए प्राइज एक्शन के साथ यहाँ नीचे नहीं आ रहा अगर ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो यहाँ पे मुझे फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट है फिर वो क्या करेगा एक सेकेंड कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी देर टाइम बिताए और फिर जब यहाँ से निकलेगा तो वो यहाँ से एक बड़ा फॉल है वो यहाँ पे दे सकता है इसलिए क्या है कि हमेशा कॉन्फिडेंस है वो बना के रखना पड़ता है मार्केट में तो अभी ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये क्या है मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है नीचे की साइड में क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब नीचे का जो लेवल टूटेगा अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी ये जो मेन सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक सेकेंड तो मेन सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो एकदम अगर आप देखोगे तो वो कहाँ का कहाँ से कहाँ तक का है अगर आप देखोगे तो ये 310 का ये लेवल है अपना नीचे की साइड में जब ये टूटेगा तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि अगर देखोगे तो बायर है जो पहले रेजिस्टेंस था तो ये अभी सेलर एरिया यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे बायर हैं उसको मार्केट को क्या है बार बार यहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ही मार्केट यहाँ आया फिर से सेलरों ने पुश किया फिर मार्केट यहाँ आया फिर सेलरों ने पुश किया फिर मार्केट यहाँ आया फिर सेलरों ने यहाँ पे पुश किया और फिर मार्केट को कल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया फिर मार्केट ने सेलरों ने यहाँ पे मार्केट को पुश किया तो इस तरह से मार्केट में अभी क्या होता है अगर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना होता तो मार्केट कहीं यहीं इसी जोन में खुल के फिर अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे जो सेलर थे वो अपना लोसेज है वो यहाँ पे बुक करते तो मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाता क्योंकि वो प्रॉफिट यहाँ पे अपना सॉरी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता मगर मार्केट क्या करता है सुबह जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही ओपन होता है उन्हीं के बाद में अभी जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो अभी बायर हैं वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मार्केट को यहाँ अप लेके जाने की मगर हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलिंग जिन्होंने भी यहाँ पे सेल करके रखा है वो क्या करेंगे मार्केट को स्पीड से यहाँ नीचे की साइड में लाएंगे तो जिन्होंने भी यहाँ पे किसी ने बाई किया है उनके एसएल हिट होंगे तो मार्केट फिर नीचे की साइड में फास्ट यहाँ पे आ सकता है तो अभी बने रहते हैं अपनी इस पोजीशन में चलने देते हैं क्योंकि मार्केट में जब पोजीशन आपके फेवर में होती है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लगता क्योंकि कैपिटल आपकी मार्केट है वो नहीं लेके जाने वाला अगर आप यहाँ पे अगर मेरा एसएल भी हिट होता है तो मैं यहाँ मार्केट से कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा तो अभी पोजिशन आप देखोगे तो मेरी यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट में ही चल रही है करीबन दो के प्रॉफिट में यहाँ पर मेरी पोजिशन है वो अभी रन हो रही है तो अभी मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का डर है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेरी कैपिटल पे कोई ए, कोई दाव लग रहा है क्योंकि ट्रेड जब फेवर में होता है तो ट्रेड को अपन होल्ड करके चलेंगे तो ही अपन को यहाँ पे कोई जैकपॉट है ट्रेड है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो चलने देते हैं एक बार पोजिशन को देखते हैं अगर मार्केट अपने फेवर में आएगा तो बहुत ही ए, मज़ा आने वाला है वो जो ट्रेड है वो जेकपो ट्रेड है वो यहाँ पे होने वाला है अभी ट्रेड है वो अपने फेवर में चल रहा है तो चलने देते हैं ट्रेड को क्योंकि मार्केट जब इस जो सपोर्ट बनाया है इस सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फास्ट आएगा अब साइड की तरफ जाएगा मार्केट तो स्लो स्टडी यहाँ पे जाएगा तो जो मूवमेंट है वो यहाँ पे अपन को नहीं देखने को मिलेगी तो मार्केट ने क्या किया है एक ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म कर दी है तो ऐसी इस तरह से मार्केट जब प्राइजेक्शन बनाता है तब यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होता है तो अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन है वो क्लियरली यहाँ पे बन रहा है अगर मैं आपको पाँच मिनट का चार्ट अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो पाँच मिनट के चार्ट में आपको क्लियर होगा तो अगर आप देखोगे पाँच मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर सेलर हैं वो मार्केट को नीचे की साइड में पुश कर रहे हैं और बायर हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपसाइड की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे बायर और सेलरों की जो फाइट चल रही है अब इसमें कौन जीतेगा वो अपने को यहाँ पे देखना है तो अभी अपन यहाँ पे बैठे रहते हैं क्योंकि जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लगेगा क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या होता है आपको हर कैंडल में यहाँ पे ट्रेड दिखेगा हर कैंडल आपको डराएगी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है तो आप यहाँ पे इमिडिएटली सेलिंग में आ जाओगे अगर यहाँ पे जो रेंज बनी है तो इस रेंज को ब्रेकआउट के साथ आप बाइंग में चले जाओगे इस तरह से क्या होता है छोटा टाइम फ्रेम है वो कन्फ्यूज यहाँ पर करता रहता है तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है इसलिए हमेशा क्या लॉन्ग टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर मार्केट अच्छे से यहाँ पे समझ में आता है तो इसलिए मैं क्या है कि दस दस मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कामकाज करता हूँ कि जिससे मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बना रहे अगर मार्केट अपने फेवर में चलता है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक मार्केट ने मेरा ट्रेल असल है वो भी यहाँ पर हिट नहीं किया है तो मैं अभी ट्रेड को यहाँ पर चलने देता हूँ अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जब मेरा यहाँ पर जब मार्केट ने लो मारा था तो मेरा यहाँ पर करीब ढाई के लगभग का यहाँ पर प्रॉफिट रन हो रहा था पच्चीस सौ के लगभग यहाँ मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे रन हो रहा था मगर अभी अगर करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे अगर अपन में अपना पोर्टफोलियो अपना यहाँ पे जाके देखें तो करंट में अपना प्रॉफिट है वो सत्रह सौ अठारह सौ के लगभग अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे चल रहा है तो क्योंकि अगर ये ट्रेड अपने फेवर में आता है अगर ये फेवर में आएगा तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है इसलिए मैं क्या है अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ देखता हूँ कि कितनी देर में, में मेरा टारगेट अचीव होता है क्या होता है क्या मेरा ट्रेल असल है वो यहाँ पे हिट होगा तो अभी मैं पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके चल रहा हूँ विदाउट किसी भी डिप्रेशन के क्योंकि माइंड जब आपका एकदम फ्रेश होगा आपकी फर्स्ट पोजिशन अगर आपके फेवर में चलेगी तो फिर आप एकदम सही तरीके से ट्रेड को ले पाओगे तो मेरा ओनली आपको यहाँ पे मेरा ये पोजीशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ओनली आपको एजुकेशन यहाँ पे मेरा देने का पर्पज़ है अदरवाइज मेरा यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का व्यू है वो बिल्कुल भी नहीं है तो अभी आप देखोगे तो मार्केट है वो स्लो स्टडी क्या कर रहा है अपसाइड जा रहा है नीचे की साइड में आप आ रहा है नीचे जा रहा है तो जब मार्केट में क्या होगा एक प्राइज एक्शन बनेगा तभी मार्केट में एक मूव है वो यहाँ पर क्रिएट होगा अगर मार्केट यहाँ पे अगर रेड टू रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे की साइड में आता तो फिर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो अपन को नहीं आता क्योंकि आप देखोगे कि जब भी कभी भी रेड कैंडल यहाँ पे बनती है तो मार्केट में रिवर्सल है वो बहुत फास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है तो अब मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे आके सपोर्ट के पास में आके एक अच्छी शानदार रेंज बना दी है एक प्राइजेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है अगर आप देखोगे तो तो फिर मार्केट अगर आप नीचे की साइड में आएगा तो फिर क्या है यहाँ पे जो नई फ्रेश पोजीशन है सेलिंग की वो यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आएंगी अगर नीचे की साइड में आता है तो क्योंकि प्राइ एक्शन के साथ मार्केट है वो ऑलमोस्टली एक्शन का ही यहाँ पे काम काज यहाँ पर कर रहा है तो चलने देते हैं पोजिशन को मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि अपना टारगेट उनको यहाँ से जल्द से जल्द मिले क्योंकि मार्केट है वो बिल्कुल भी फिलहाल यहाँ पे साइडवेज मार्केट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसीलिए मैंने क्या है यहाँ पे बाइंग ना करके यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे सेल किया है इसे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो डेल्टा का जो होता है डी के वो मुझे यहाँ पे जो है वो यहाँ इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया होता तो आप देखोगे कि ये प्रीमियम है ये बहुत फास्ट है वो यहाँ पे डीके हो रहा है अगर मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 167 में यहाँ पे सेल किया है और मार्केट देखोगे तो इर्द गिर्द यहीं कहीं घूम रहा है अभी इर्द गिर्द यहीं कहीं घूम रहा है तो अभी देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी यहाँ पे डिके हुआ है स्पीड से यहाँ पे डिके हो रहा है तो ऑप्शन बायर को ये सबसे बड़ा नुकसान है इसीलिए मैंने आज क्या है मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज का प्रोडिक्शन करने के बाद में यहाँ पे सेल पोजिशन है वो यहाँ पर क्रिएट की है तो अभी मैं पोजिशन को चलने देता हूँ देखता हूँ कि क्या होगा अगर मार्केट अपने फेवर में चलता है तो ये जेकपोर्ट एक्सप जेकपोर्ट अपना ट्रेड है वो यहाँ पे होने वाला है तो मैं अभी चलने देता हूँ जो मेरा ट्रेल एसल है अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा तो फिर मैं यहाँ से पोजिशन में से एग्जिट हो जाऊँगा और तो जब तक मैं यहाँ पे बना रहता हूँ पोजीशन में अगर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट इस लेवल के तो फिर मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा अदरवाइज मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा पोजीशन को चलते हैं क्योंकि अगर पोजीशन अपने फेवर में आएगी अगर पोजीशन अपने फेवर में आएगी तो फिर अपना फास्ट मूव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये मूव है ये देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आएगा तो हो सकता है क्योंकि मार्केट में अभी एकदम शानदार प्राइजेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे आ सकता है नीचे की साइड में तो अभी चलने देते हैं पोजीशन को क्योंकि मेरा व्यू है वो यहाँ तक का है इस पोजीशन जो मेरी पोजीशन बनी हुई है वो चौबीस हजार दो सौ तक का मार्केट का मेरा यहाँ पे टारगेट नीचे की साइड में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अब साइड की तरफ मेरा मूव है वो थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो मैं यहाँ पे मेरा अपना ट्रेल लाइसल है, है वो ले कर यहाँ बाहर हो जाऊँगा फिर मैं कोल की साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज के टाइम पर क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा कॉल की साइड में अगर मार्केट जाएगा भी तो भी मैं यहाँ पे कल को इग्नोर रखूंगा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गेप अप यहाँ पे ओपन हुआ है तो गेप अप के केस में मैं यहाँ पे पोजीशन को अपने स्क्वायर वो पोजीशन को यहाँ पे कैरी करके नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि अगर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अप जाए फिर यहाँ से डाउनफॉल है वो यहाँ पर देखने को मिले तो अभी मेरी पोजिशन है वो अभी आप देखोगे तो चल रही है अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट है अपना पंद्रह सौ सोलह सौ का अपना रनिंग है अभी तो अभी चलने देते हैं पोजीशन को क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ से पलटेगा तो ये पोजीशन है अपनी बहुत स्पीड से यहाँ पे प्लस में आएगी क्योंकि प्रॉफिट है वो अपना इंक्रीज होता हुआ अपन को यहाँ पर दिखेगा तो मैं यहाँ पर मार्केट को ये पूरा प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा क्योंकि अगर यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा तो फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है मार्केट में मैं पहले स्टॉक में करने की कोशिश कर रहा था मगर फिर अचानक मुझे एक ये ट्रेड दिखा निफ्टी के अंदर इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सेल करना पसंद किया है तो अभी मैं चलने देता हूँ ट्रेड को देखते हैं तो अगर मैं आपको फाइव मिनट का अगर चार्ट दिखाऊँ तो फाइव मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट है क्या कर रहा है स्लो स्टडी अपसाइड की जाने की कोशिश कर रहा है अगर मार्केट में क्या है अगर आप देखोगे वैसे एक शानदार एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट है वो यहाँ पे हो रहा है इसलिए क्या है कि मैं पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे बैठा हूँ तो अगर यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा अपनी जो पोजिशन है उसको स्क्वायर ऑफ यहाँ पर कर लूँगा तो अभी अपना एस के पास में मार्केट गया नहीं है जब मार्केट एस के पास में जाएगा तो मैं यहाँ पर अपनी जो पोजिशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा तो मेरा अभी भी क्या है कि ओवरऑल आप देखोगे तो मेरा असल है वो काफी दूर यहाँ पे रखा हुआ है तो अभी मेरा असल है वो यहाँ पे हिट नहीं हुआ है तो मैं अभी पोजीशन को यहाँ पे चलने देता हूँ क्योंकि मार्केट को अगर अपसाइड में जाना होता तो मार्केट को नीचे की साइड में ओपन होकर फिर अगर मार्केट जाता तो मैं यहाँ पे बाइंग की साइड में जाता अदरवाइज मैं बाइंग की साइड में बिल्कुल नहीं जाऊँगा तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे की साइड में आए ऐसे प्राइजेक्शन बनाए उसके बाद में नीचे की साइड में आए तो अगर मार्केट यहाँ से अगर निकलता भी है तो यहाँ पे क्या है कि फ्रेश जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है किसी ने नई पोजीशन बनाई है तो वो क्या करेंगे यहाँ पे अपने क्वांटिटी हैं वो और इंक्रीज करेंगे तो इसलिए क्या है मैं अभी अपनी पोजीशन को यहाँ पे चलने देता हूँ क्योंकि एसएल है वो अभी मेरा हिट नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो अभी भी ऑप्शन अगर आप इंडेक्स देख रहे हो तो इंडेक्स कहाँ अपनी यहाँ से यहाँ तक का मूव कर चुका है करीबन तीस पॉइंट का मूव कर चुका है मगर फिर भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो अभी जो अपना इंक्रीज हुआ है प्रीमियम वो कोई ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कभी भी क्या होता है कि अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ भी निकलता है तो ये जो मूव है ये ऑटोमेटिकली क्या है फास्ट हो जाता है तो अगर मार्केट को अगर जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है अपन यहाँ पे अपना ट्रेड एसल है वो देने के लिए बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है आराम से अपने ट्रेड में बने हुए हैं अगर ट्रेड अपने फेवर में आएगा तो फिर अपन को यहाँ पे एक बड़ा गेन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो अभी चलने देते हैं ये तो अपना फर्स्ट ट्रेड है अगर ये मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड अच्छा खासा जेकपोर्ट ट्रेड मुझे मिलेगा तो फिर मैं सेकेंड ट्रेड के बारे में सोचूंगा नहीं मैं मार्केट को ओनली वॉच करूँगा आज के लिए मार्केट में मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है आज अगर देखें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी भी स्लो स्टडी नीचे की साइड में ही यहाँ आ रहा है अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ा मूव है वो देखने को नहीं मिल रहा है आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी स्लो स्टडी नीचे की साइड में ही यहाँ पे मूव कर रहा है तो अभी अपन बने रहते हैं देखते हैं कि मार्केट है अपना ट्रेल एस जाता है या नहीं जाता क्योंकि अगर ट्रेल एसल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं मैं यहाँ पे मार्केट को देने के लिए बैठा हूँ तो अपना जो मेन तो टारगेट है ऊपर की साइड में जो एसल है मेरा वो तीन सौ छितर के लगभग का यहाँ पे एसल है तो मार्केट अभी भी दस पॉइंट मेरे एसल से नीचे है अभी देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि मार्केट है वो कभी भी यहाँ से पलट सकता है मार्केट है वो कहीं भी अपसाइड या नीचे की साइड में कहीं भी पलट सकता है अगर मार्केट को नीचे की साइड में आना होगा तो एक कैंडल है वो मार्केट में नीचे की साइड में आ सकता है मार्केट जैसे ये कैंडल बनी है इस तरह से मार्केट है वो यहाँ पे आ सकता है तो अभी चलने देते हैं अपनी पोजीशन को देखते हैं कि अपना एस हिट होता है क्या होता है अगर आप देखोगे तो अभी अपना जो रनिंग प्रॉफिट है वो तेरह सौ के लगभग यहाँ पे आ गया है प्रॉफिट तेरह सौ का प्रॉफिट है वो रनिंग होने लग गया है मतलब प्रॉफिट अपना डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे मगर अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में पलटेगा इसलिए मैं यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट अपने फेवर में नहीं रहेगा अपसाइड की तरफ घूमेगा तो फिर मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा अदरवाइज मैं पोजीशन को एक बार चलने देता हूँ क्योंकि इस पोजीशन में मेरी यहाँ पे लॉसेज है वो बिल्कुल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा मार्केट मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ से ले जाएगा मगर जब यहाँ से जब पलटेगा मार्केट तो एक बड़ा मूव है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है इसलिए मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ देखते हैं क्योंकि तो जब मार्केट में यहाँ पे फोल होगा तो एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी जिस तरह से आप ये देखोगे तो ये कैंडल आपको छोटी दिख रही है मगर कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है ये इस तरह से क्या है कि मार्केट जब नीचे की साइड में आता है तो बहुत फास्ट यहाँ पर आपको मूव है वो होते हुए आपको नज़र आएंगे इसलिए मैं अभी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी है वो भी अभी होल्ड कर रहा है आज क्या है बैंक निफ्टी और निफ्टी है वो दोनों सेम चल रहे हैं जब ये दोनों इंडेक्स सेम चलते हैं तब तो मार्केट में क्या है एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्रिएट रहता है जब ये दोनों अपोजिट चलते हैं तब तो मार्केट में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स है वो आप देखते रहिए जिससे आपको क्या है कि थोड़ा सा अनुमान होता रहेगा कि इंडेक्स है वो किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर रहा है तो अगर आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट है वो वापस से इंक्रीज होने लग गया है धीरे धीरे वो क्यों हो रहा है कि मैंने यहाँ पे सेलिंग की है तो वो जो प्रीमियम है वो क्या है डीके हो रहे हैं तो इस वजह से मार्केट जब भी यहाँ पे अगर आज पूरे दिन भी अगर घूम के यहाँ पे रह जाएगा तो भी ये मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है डीके होती रहेगी अगर ये एक घंटा इसी रेंज में अगर घूमता रहेगा तो फिर यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट है वो यहाँ पर रन होने लग जाएगा इसलिए अभी क्या है मैं अपनी पोजिशन को यहाँ पर होल्ड ही कर रहा हूँ देखते हैं कि अपना एसएल है वो यहाँ पर हिट करता है या नहीं करता क्योंकि अगर मार्केट आएगा तो स्पीड से फास्ट है मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से टर्न ऑन हो अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है प्राइजेक्शन बन रहा है जो ये हाई लगा फिर जो नेक्स्ट हाई लग रहा है वो भी नीचे की साइड में लग रहा है और अभी जो लग रहा है वो भी क्या है भी नीचे लग रहा है तो अभी मार्केट ने ऐसा कुछ बुलिशनेस का जो है वो यहाँ पे दिया नहीं है सबसे ज़्यादा तो मैं बेरिस इसलिए हूँ निफ्टी में क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग कल की थी वो क्या है वो बेरिस थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेरिस क्लोजिंग है तो मार्केट आज बड़ा गिपअप यहाँ पे ओपन होता है तो कल की जो जिन्होंने भी यहाँ पर किसी ने पोजिशन को कैरी किया है तो वो क्या है अभी इसी होप में बैठे हैं कि मार्केट है वो नीचे की साइड में फिर से आएगा इसलिए क्या है मैं इस अपनी पोजिशन को यहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर बैठा हूँ तो अभी चलने देते हैं अगर मार्केट फास्ट आएगा नीचे की आएगा तो फास्ट आएगा नीचे की साइड में अगर अपसाइड भी निकलेगा तो भी यहाँ पे फास्ट निकल सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिन्होंने यहाँ पे किसी ने सेल किया है यहाँ पे किसी ने सेल किया है फिर वो क्या करेंगे इस लेवल के अपसाइड निकलेगा मार्केट फिर वो अपना जो पोजिशन है उसको कैरी करना यहाँ पर चालू करेंगे तो फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है तो ज़्यादा मार्केट का जो मेरा व्यू है वो अपसाइड की तरफ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा नहीं जा सकता मार्केट यहाँ से तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरी पोजिशन है वो अपन देख लेते हैं कि कहाँ चल रही है अगर पोजिशन की बात करें तो पोजिशन है अपनी अभी देखो तो सत्रह सौ अठारह सौ वापस यहाँ पर पोजिशन आ गई है तो अभी अपन यहाँ पे बैठे हैं होल्ड कर रहे हैं अपने ट्रेड का कि ट्रेड है वो अपने फेवर में आए क्योंकि जो मूव अगर नीचे की साइड में आएगा तो वो बड़ा फास्ट मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जो बड़ा मूव है वो कब देखने को मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होंगे कि एक तो जिन्होंने सेल किया है वो यहाँ पे और जिन्होंने यहाँ पे बाई किया तो बाई किया है उन्होंने क्या वो क्या करेंगे अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और जो फ्रेश पोजिशन है वो यहाँ कहीं बनेंगी नहीं और जो कोई पुट बाई या कॉल करता है पुट को बाई करता है वो भी क्या है यहाँ पे ए, फोर्स है वो भी यहाँ पे क्रिएट होगा तो मार्केट यहाँ से फास्ट नीचे आ सकता है अगर आप देखोगे तो पोजीशन है वो अपनी 1700 के लगभग सोडी सोलह सौ सो, सत्रह के लगभग रनिंग है तो अभी चलने देते हैं ट्रेड को क्योंकि जब मार्केट यहां से निकलेगा तो फास्ट है वो यहां पे आता हुआ नजर आएगा अपन को मार्केट क्या करता है हमेशा आपको डराएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो ये प्राइज एक्शन है कितना अच्छा प्राइज एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो मार्केट में हमेशा क्या प्राइज एक्शन के साथ में अगर आप कामकाज करोगे तो आपको किसी भी किसी भी प्रकार के इंडिकेटर की, की आवश्यकता नहीं है अगर मैं आपको मेरा प्रॉफिट दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे दो का रनिंग फिर से चालू हो गया है अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पर फिर से इंक्रीज होने लग गया है अगर आप इस पेंडल को देखोगे प्रॉफिट को देखोगे तो आप ट्रेड में बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे इसलिए हमेशा अपने कॉन्फिडेंस अपने ट्रेड पे विश्वास करना बहुत जरूरी होता है तभी मार्केट यहाँ पे गेन करेगा अगर आप देखोगे तो अभी अपना प्रॉफिट है वो कहाँ जाके आया है कहाँ आ गया है वापिस से तो ये अगर यहाँ से नीचे की साइड में निकलेगा तो फिर अपना जेकपो डे है वो यहाँ पे होने वाला है जब यहाँ से निकलेगा मार्केट में एक सार्फ होल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो अभी अपना जो ट्रेड चल रहा है वो अच्छा ट्रेड बना हुआ है अपना अपने फेवर में चल रहा है मार्केट भी अपने फेवर में है अगर आप देखोगे तो शानदार प्राइजेक्शन के साथ में मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो अभी लाइव ट्रेड करने का मतलब मेरा यही है कि इससे आपको कुछ लर्निंग है वो यहाँ पे मिले तो अब देखोगे कि तो मार्केट है वो बड़ा ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट का ये क्या है ये ये जो आप देख रहे हो ये मार्केट का टेक्सचर है तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे कामकाज करता है तो यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करोगे कि कोई ट्रेड मेरा यहाँ पे छूट रहा है अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे कामकाज कर रहे हो तो आपको ये लगेगा हर जगह आपको ट्रेड है वो यहाँ पे देखेगा अगर आप यहाँ से अगर देखोगे तो एक ये स्केल्पिंग ट्रेड है वो यहाँ पर बन रहा है तो स्केल्पिंग में क्या होता है कि बड़ी क्वान्टिटी आप मारोगे और आपने पाँच या दस रुपये लेके बाहर हो जाओगे अगर ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गेन कर रखा है तो अगर आप देखोगे कि तो प्रीमियम अभी चल रहा है अपना जो प्रीमियम है मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू है एक बार फिर से मेरा नेट है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ देखोगे तो करीबन मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट है वो यहाँ पे देखने को मिले मतलब थर्टी सेवन पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कैच कर चुका हूँ मगर अगर यहीं पे अगर मेरी क्वांटिटी है अगर मैंने यहाँ पे करीबन चार लोट या पांच लोट यहाँ पे सेल करके रखे हुए होते तो यहाँ पे एक मेरा डेसिंग सा प्रॉफ़िट है वो यहाँ पे रन हुआ हुआ होता मगर स्मॉल क्वान्टिटी से भी क्या है कि आपको बिल्कुल एक तो डर नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा बड़े लॉसेज हैं वो आपके नहीं होंगे प्रॉफ़िट तो होगा वो भी बड़ा स्मूथ से आप उसमें टिक के बैठ सकते हो इस वजह से क्या है कि हमेशा क्वांटिटी को मैनेज करके चलना पड़ता है अगर आपको बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिले तब आप क्वांटिटी को ट्रेड करो अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो तो अभी देखोगे तो आप मार्केट में एक शानदार प्राइज प्राइज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शानदार प्राइजेक्शन है वो यहाँ पर बना हुआ है तो अभी मार्केट है वो भी एकदम फेवर में चल रहा है अगर आप देखें तो एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है धीरे धीरे की साइड तो अगर मैं यहाँ पे एक बार पाँच मिनट पे ये ट्रेल लाइन है इसको फॉर्म कर देता हूँ तो अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेल लाइन है ये ट्रेल लाइन अच्छी खासी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है अभी तो अब अपना ये यहाँ से हट जाएगा तो अपना रजिस्टेंस था वो हट जाएगा अब अगर मार्केट इस ट्रेल लाइन के अपसाइड निकलता है तो फिर मैं अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक करूँगा अदरवाइज मैं यहाँ पर चलने दूंगा अभी क्या है कि इस तरह से मार्केट में हर चीज़ है वो आपको देखते रहना पड़ेगा कि कब कहाँ कौन सी ट्रेड लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो रजिस्टेंस ट्रेड लाइन के यहाँ पे भी आप क्या है एक अच्छा खासा अर्निंग है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हो तो अभी आप देखोगे तो अभी एक ट्रेड लाइन है वो करंटली क्या कर रहा है मार्केट यहाँ से ये ट्रेड लाइन थी और अभी इस ट्रेड लाइन का अभी मार्केट ने क्या है एक रजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया है जब भी मार्केट अब इस ट्रेड लाइन के अपसाइड निकलेगा तभी एक कोल की साइड मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा मगर जब भी अब धीरे धीरे मार्केट क्या कर सकता है कि नीचे की साइड में यहाँ पे आएगा आने के बाद में थोड़ा टाइम बिताएगा फिर नीचे की साइड में आ सकता है तो यहाँ पे मैं अपना एक बार है तो वीडियो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे बंद करता हूँ और बाद में देखेंगे अपन यहाँ पे कि अपना ट्रेड है वो कितना यहाँ पे अगर जाता है प्रॉफिट में आगे अगर मैं आपको मेरी करंट पोजिशन दिखाऊँ तो आप देखोगे तो ये भी मेरी करंट पोजीशन है वो सत्रह सौ अठारह सौ रुपये प्लस चल रही है तो मैं अभी ट्रेड में बना रहता हूँ और बाद में मैं आपको अपडेट करूँगा क्योंकि मुझे अभी कहीं निकलना है तो मैं थोड़ा सा अभी जल्दी में हूँ तो मैं अभी अपने ट्रेड को चलने देता हूँ और स्ट्रीम को बंद करता हूँ